डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। जब आ जाए सवाल एग्ज़ाम में एप्लीकेशन का, तो कैसे लिखनी है। तो सवाल किस तरह से आता है, जैसे कि आपके सामने, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द ग्रांट ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, और किस काम के लिए लिखनी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो कैसे लिखनी है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बेटा आपने लिखना है डी प्रिंसिपल राइजिंग स्टार्स कॉलेज लाहौर। ये तो मैंने एक सैम्पल के तौर पर लिखा है, का आप अपने तौर पर लिख लेंगे। और सबसे पहले ये चेक करें कि डी का टी कैपिटल है, फिर पी कैपिटल है, और प्रिंसिपल के एंड में कॉमा है, फिर राइजिंग का आर बड़ा, स्टार का एस बड़ा, कॉलेज का सी बड़ा, और फिर एंड में लगा हुआ है कॉमा, देन लाहौर का एल बड़ा। तो इसका मतलब ये अपने पंक्चुएशन का बहुत ख्याल रखना है, और एंड पे है फुल स्टॉप। इसी के मार्क्स होते हैं, इसी में देखा जाता है कि जिसने बच्चे ने गलतियां की हैं तो फिर उसको मार्क्स नहीं मिलते। तो सर का एस कैपिटल और एंड में लिखना है कॉमा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड That मुहतबाना गुजारिश है कि आई एम अ रेगुलर सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। मैं आपके कॉलेज में बाकायदा स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर का। आई हैव पास्ड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। मैंने फर्स्ट ईयर का जो इम्तिहान है वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। आई हैव स्टूड सेकेंड इन द क्लास। तो मैं क्लास में सेकेंड आया हूँ, मेरी सेकेंड पोजिशन आई है। माई फैमिली हैज शिफ्टेड टू कराची। मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान कराची शिफ्ट हो चुके हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग विद दैम। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज़ एट गवर्नमेंट कॉलेज कराची। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज कराची में जाकर अपनी जो तालीम है उसको कंटिन्यू करूँगा, जारी रखूँगा। नए पैराग्राफ्स लिखना है। इन आर्डर टू डू सो, ऐसा करने के लिए आई रिक्वायर अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज पर द रेगुलेशंस ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशन। नया जो इदारा है उसके कवानीन के मुताबिक मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा ताकि मैं वहाँ दाखिला ले सकूँ। देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू इशू द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दें एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द मुमकिन हो। आई हैव इनक्लोज्ड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो मैंने इस दरख्वास्त के साथ ज़रूरी जितने भी कागजात हैं वो लगा दिए हैं ताकि आप इसको ज़ेरे गौर ला सकें। इफ़ देयर आर एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा भी अगर कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट हुई, मज़ीद कोई चीज़ दरकार हुई, प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल कम्प्लाई विद दैम। तो मेहरबानी फरमा कर मुझे बताइएगा और मैं उस पर अमल दरामद करूँ। यानी ये जो कागजात लगाए इसके अलावा भी कोई कागजात हैं तो आप बताइएगा ताकि मैं वो पूरे कर सकूँ। आई शेल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। नीचे लिखना है यूज ओबीडियंटली, तो वाई कैपिटल ओ छोटा और ओबीडियंटली के बाद कामा लगाना है। नीचे अपना नाम तो लिख के इसके बाद सेकंड ईयर बी और रोल नंबर 35। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द एप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।